ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मामनैवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमस्सवाभ्य सभापतिवृषभः। मैं डॉक्टर प्रभाकर पुरोहित आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। मित्रों, हमने पिछली वीडियो में ज्योतिष शास्त्र में रोग विचार के सिद्धांतों पर चर्चा की थी कि ज्योतिष शास्त्र में ऋषियों ने, महर्षियों ने और विद्वानों ने जिन रोगों की चर्चा की है, जिन रोग सिद्धांतों की चर्चा की है, वो क्या आधार हैं, उनके क्या आधारभूत सिद्धांत हैं, ज्योतिष शास्त्र में रोगों का विचार किन-किन भावों से किया जाता है और कौन-कौन उसके कारकत्व होते हैं। आज हम इसी क्रम में हृदय रोग पर चर्चा करते हैं। आज प्रायः हम देखते हैं कि समाज का एक बड़ा वर्ग हृदय रोग से पीड़ित है। प्रायः सुनने में आता है कि फलां व्यक्ति को कार्डियो अरेस्ट हो गया, यानी हृदयाघात, हार्ट अटैक हो गया। अनेक प्रकार के बच्चों में हृदय के डिसीज आ रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसी क्रम में हमारे ज्योतिष शास्त्र में क्या क्या ये ऐसे योग होते हैं कि जो हृदय में रोग उत्पन्न करते हैं, इसी क्रम में हम चर्चा करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में रोग विचार की जिन प्राचीन पद्धतियों का जातक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, वह परंपरा प्राचीन काल से ही ज्योतिष शास्त्र के आदि प्रवर्तक मनीषियों एवं ज्योतिर्विदों की देन है। ज्योतिष शास्त्र की स्वमान्यता है कि प्रत्येक छोटा बड़ा रोग पूर्वार्जित कर्म फल के रूप से उत्पन्न होता है। इसी क्रम में प्रश्न मार्ग में लिखा है, पूर्वार्जित कर्मों के बारे में उल्लिखित है, जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते ग्रहाणाम स्थिति भेदेन पुरुषान योजयन्ति ही तत्फले कर्म समुद्भूतेर इति योगाः प्रकीर्त्यता। आयुर्वेद में भी रोगोत्पत्ति के दो कारण माने गए हैं, कर्म प्रकोप एवं दोष प्रकोप। अर्थात पूर्व जन्मों के अशुभ कर्मों से प्राप्त व्याधि कर्म प्रकोप कहलाती है तथा दूसरे अनियमित आहार विहार एवं संयम अभाव से दोष प्रकोप जन्य व्याधियां उत्पन्न होती है। वात पित्त कफ जन्य व्याधियां दोष जन्य व्याधियां कहलाती है। आयुर्वेद में दोष प्रकोपवश रोग मुख्यतः वात पित्त कफ के कारण उत्पन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में वात पित्त कफ रोग कारक ग्रह इस प्रकार है, पित्तम वात कफो पित्तम वात पित्त कफा कफ कफ वातोच वातस्य सूर्यादीनां प्रकीर्तिता। अर्थात सूर्य पित्त कारक, चंद्रमा वात कफ, चंद्रमा कफ कारक, भौम पित्त कारक, बुध त्रिदोषात्मक। इसी प्रकार बृहस्पति कफ कारक, शुक्र कफ वात, शनि वात कारक। ज्योतिष शास्त्र में दोषज व्याधियां क्रियमाण कर्म के आधार पर ग्रहण की जाती है। संचित कर्म फल का विचार आधान कुंडली से, जन्म कुंडली से किया जाता है तथा प्रारब्ध कर्मों का विचार दशा के माध्यम से, क्रियमाण का विचार गोचर व प्रश्न कुंडली के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार पर्यायलोचन से ज्ञात होता है कि आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों की गणना के अनुसार कर्म प्रभाव से रोग उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद में अनुचित आहार विहार से व्याधियां उत्पन्न होती है, परंतु ज्योतिष शास्त्र इस मत का खंडन करता है। जैसे कि प्राय प्रत्यक्ष देखने में आता है कि कुछ अनियमित जीवन यापन करने वाले लोग स्वस्थ एवं नियमित आहार विहार करने वाले लोग रुग्ण होते हैं। इसका कारण ज्योतिष शास्त्र में ग्रह के विलक्षण प्रभाव से देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र की गणना जन्म काल, प्रश्न काल, गोचर, योग दशा के माध्यम से रोगों के विषय में प्रतिपादित है।
गणना से, गणना के माध्यम से बहुकाल पूर्व ही ये पता चल सकता है कि किस काल में कौन सा रोग होगा और इसकी साध्यता असाध्यता तथा उपाय ज्योतिष शास्त्र में योग दशा के माध्यम से सम्यक रूप से ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। इस प्रसंग में महर्षि अत्रेय कहते हैं, अथ नक्षत्र योगेन व्याधिर्यस्य प्रजायते साध्य साध्यम च याप्यम च वक्ष्यामि श्रुणु पुत्र का। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि ज्योतिष शास्त्र का संबंध चिकित्सा शास्त्र से प्राचीनतम है और ये आज वर्तमान में भी प्रासंगिक है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र यदि ये दोनों परस्पर मिल करके रोगों पर शोध करें, रोगों का पर्यायलोचन करें, तो ऐसा है कि उसका जो आज के परिप्रेक्ष्य में अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की व्याधियां नित रोज उत्पन्न हो रही है, इसका कुछ समाधान निकल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में रोगों का विचार मुख्यतः षष्ठ अष्टम द्वादश भाव, इन भावों में स्थित ग्रह, इन भावों के स्वामी ग्रह, षष्ठेश से युक्त व दृष्ट ग्रह, क्रूर षष्ठ्यांशगत ग्रह, मारक ग्रहों के, ये सब रोगों के कारक माने गए हैं। इन ग्रहों के शुभाशुभत्व एवं बलाबलत्व के आधार पर रोग तथा रोगी की चर्या, प्रभाव और कालावधि का निर्धारण किया जाता है। इसी क्रम में आचार्य मंत्रेश्वर फल दीपिका में कहते हैं, रोगस्य चिंतामपि रोग भावै स्थितेर्ग्रहे वा व्यय मृत्यु संस्थे रोगेश्वरेणापि तदिन्तितेर्वा द्वितीयादि संवाद वसाद पदन्तु। अर्थात जन्मोपरांत उत्पन्न होने वाले रोगों का प्रतिपादन इस प्रकार हमारे जातक ग्रंथों में मिलता है। इन रोगों का योगों के माध्यम से दशा गोचर के आधार पर प्रतिपादन किया जाता है। प्राचीन काल की अपेक्षा आज समाज में अनेक प्रकार की व्याधियां तीव्रता से भयावह रूप में परिवर्तित होती दिखती है। उनमें से एक व्याधि हृदय रोग है, जिससे समाज में अनेक लोग पीड़ित हैं। हमारे शरीर में तीन प्रमुख अंग हैं, हमारा मस्तिष्क, हृदय और वस्ति। अमरकोश में हृदय को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ह्रीयते विषेरिति हृदयम् चित्तम तु चेतो हृदयम् स्वांतम ऋण मानसम मनः रक्तस्य आश्रयम् हृदयमेव। रक्त का आश्रय स्थान केवल मात्र हृदय है। रक्त और हृदय का परस्पर अन्योन्याश्रय संबंध है। हृदय की स्थानीय विकृतियों से रक्त दूषित होता है। तत्पश्चात वैज्ञानिकों ने हृदय के अनेक भेदों का विवरण दिया है। भेदों का यही विश्लेषण आचार्य चरक ने आयुर्वेद में लिखा है, वैवर्ण्य मूर्छा ज्वरकास हिक्का श्वासस्य वैरस्य तृषा प्रमेह छरदी कफोत्क्लेश अरुजोरुचिश्च हृदरोग जास्युर विविदस तथा ने। अर्थात विवर्णता, त्वचा में पांडुता, पीलापन आना, श्वास का फूलना, गंडस्थल रुग्णता, गले में समस्या होना आदि, ये लक्षण जब दिग्दर्शन होते हैं, संक्षेप तो विवर्ण शब्द वैवर्ण शब्द के ही अंतर्गत ये सब आते हैं। ये तीनों लक्षण हृदय कपाटों की विकृतियों में होती है। मूर्छा लक्षण, श्वास इत्यादि का लक्षण, श्वास का आना, आमवात जन्य अथवा विषजन्य संक्रामक हृदयांतर शोथ के प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा हृदय तोरणिकाओं में बलगम, कफ इत्यादि का जमा हो जाना, ये हृदय रोग के प्रमुख लक्षण हैं। जब रक्त में वसा मेद की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, या रक्त में शुगर की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, या शरीर का भार अधिक बढ़ जाता है, शरीर में किसी रोग का विष जन्य भार से, जैसे विषजन्य पदार्थ, तंबाकू, मद्य आदि विषैले द्रव्य जब अंदर जाते हैं, तथा इसी क्रम में आदमी बहुत डिप्रेशन में रहता है, शोक में रहता है, चिंता में रहता है, आवेश उद्वेग इत्यादि में रहता है, तब हृदय में दुर्बलता आ जाती है। अर्थात श्रम न करना तथा ज्यादा बैठे रहने से भी हृदय निर्बल होता है। रक्त भार बढ़ने से व अधिक घटने से भी हृदय रोग होता है। हृदय के रोगों का प्रभाव आत्मा और मन पर अवश्य पड़ता है। चेतनावस्थानम हृदयम, आत्मा और मन का अधिवास ही स्थान मस्तिष्क एवं हृदय दोनों में है। मानसिक रोगों से हृदय रोग भी होता है। दिल और दिमाग
दोनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रय संबंध निर्भर करते हैं। कफ संचय से कृमि आंत में अभिवर्धित होते हैं, अर्थात आंत्रस्थ कृमियों की अंतस्थ विष क्रिया से रक्त में दर्शन गम्य व अगम्य सूक्ष्म कृमियों के कारण से भी हृदय रोग होता है। ज्योतिष शास्त्र में हृदय रोग का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है, अतः चतुर्थ भाव एवं चतुर्थांश पर पापक ग्रहों का प्रभाव होने से हृदय रोग होने की संभावना रहती है। प्रायः देखा जाता है कि आवेग, उद्वेग, संवेग की प्रचुर तीव्रतावश दिल का दौरा पड़ता है। ज्योतिष में मन का विचार चतुर्थ भाव से तथा मस्तिष्क का विचार पंचम भाव, इन दोनों भावों पर पापक ग्रहों के प्रभाववश इस रोग के कारण माने जाते हैं। जातकालंकार में इस प्रसंग में गणेश कवि कहते हैं, लग्नस्ते रोहिणी ये तदनु रविशनि क्रूर दृष्टो रिपुस्ता वैक्रक्षे चेक भागै भवति गतिमतिर दृष्टिहीनौ शुभानाम तिग्मांसौ वैरिनाथे खल विहगयुते तुर्यगै सूर्यसूनौ हृदरोगी वाक्पतौ च भवति हृदिनरः कृष्ण पित्ती शकंपः। अर्थात जिस जातक के जन्म लग्न में बुध स्थित हो, सूर्य शनि सात हो, क्रूरह ग्रह से दृष्ट होकर षष्ठ स्थान अथवा एक राशि अथवा चक्रार्ध में एक नवमांश में हो, तो मनुष्य नितांत बुद्धिहीन होता है। इस स्थिति में यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि रवि शनि पर न हो तो उक्त फल उत्कृष्ट एवं मध्यम रहेगा। सूर्य यदि षष्ठेश हो अर्थात मीन लग्न में जन्म हो और सूर्य दुष्ट ग्रहों से युक्त हो करके चतुर्थ स्थान में हो तो मनुष्य को हृदय रोग होता है। दूसरा अथवा षष्ठेश शनि चतुर्थ में पाप युक्त होकर मनुष्य को हृदय रोगी करता है। यदि बृहस्पति षष्ठेश होकर चतुर्थ स्थान में स्थित हो तो मनुष्य को पित्त अथवा कंपन होता है। इसी प्रकार अन्य योग भी हैं। ज्योतिष शास्त्र में हृदय रोग चतुर्थ स्थान यदि पाप पीड़ित हो, चतुर्थेश पापक ग्रहों की राशि में पापक ग्रहों के साथ युत हो तो हृदय में निर्बलता होती है। षष्ठेश गुरु यदि पीड़ित हो तो यह योग हृदय रोग कारक होता है। हृदय रोगी पंचमे पापे सपापे च रसातले क्रूर षष्ठ्यांश संयुक्ते शुभ दृग योग वर्जिते। अर्थात चतुर्थ और पंचम भाव में पापक ग्रह स्थित हो, पाप षष्ठ्यांश से युत हो और शुभ ग्रहों के योग से तथा दृष्टि से रहित हो तो जातक को हृदय रोग होता है। सर्वार्थ चिंतामणि में वर्णित इस योग का उदाहरण इस प्रकार मिलता है। तदीश संस्थास राशि से क्रूर षष्ठ्यांश संयुते क्रूर ग्रहेण संदृष्टे हृदगतम शल्यमादिशेत। अर्थात चतुर्थेश जिस नवांश में हो उसका स्वामी क्रूर षष्ठ्यांश में हो तथा इस पर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो जातक को हृदय रोग एवं हृदय में सर्जरी होती है। प्रायः जो आज हार्ट की सर्जरियां होती है वो ऐसे योग में होती है। चतुर्थ स्थान में पापक ग्रहों के होने से इस योग का की पुष्टि होती है। पीड़िते हृदये हिबुके निर्बांधव वाहन तमिति सौख्या बालये व्याधित देहो नखरौम धरो भवित सौरे। अर्थात चतुर्थ स्थान में शनि हो तथा सूर्य एवं षष्ठेश पापक ग्रहों के साथ हो तो हृदय रोग होता है। इसी प्रकार इस योग का एक दूसरा उदाहरण जातकालंकार में मिलता है। दुष्टेर वा पीड़िता सनतः कुज रविजो वाक्पतिर बंधुसंस्तो हृदरोग स्यात् नराणां व्रणहेव नियतम क्लेशकारी शरीरे। अर्थात मंगल शनि से पीड़ित बृहस्पति चतुर्थ स्थान में हो तो मनुष्य को हृदय रोग एवं हृदय प्रदेश में घाव होता है। आज हम प्रायः देखते हैं कि नवजात शिशुओं के भी हृदय में घाव होता है, होल होता है। ये प्रायः ये समस्या भारत में बढ़ रही है। इसका उदाहरण इस प्रकार से शास्त्रों में मिलता है। पातालस्त महीजनस्त निलयगाह सूर्यविद सैंगिके या रंध्रस्तो भानुपुत्रो यदि जनुषि तदा स्यान् नरो दुःखभागी। अर्थात चतुर्थ बृहस्पति रोग कारक तब तक नहीं होगा जब तक वह रोग भाव भावेश से संबंध न करता हो या संबंध न रखता हो। यदि मंगल चतुर्थ स्थान में हो, शनि अष्टम में गया हो तो ऐसी स्थिति में मनुष्य जीवन भर हृदय रोग से पीड़ित रहता है। इसी क्रम में हृदयशूल योग होता है। अर्थात हृदय में
दर्द होना और दर्द भी असह्य, इसको हृदसूल कहते हैं। इसका विचार चतुर्थ भाव या चतुर्थेश एवं सूर्य से किया जाता है। इस रोग का जो योग है वो हमारे शास्त्र में इस प्रकार से वर्णित है। जातक परिजात में इसका एक उदाहरण आता है। भृक्षूल रोग मपयाति सुखे फणी यसे पापेक्षिते गतिबले यदि लग्न नाथे शूलामयम तनुपतो रिपुनीच रासो भौमे सुखे रविसुते यदि पाप दृष्टे। अर्थात यदि चतुर्थ में स्थित राहु पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो तथा लग्नेश निर्वल हो तो हृदय में दर्द होता है। चतुर्थेश की राशि तथा नवांश का स्वामी क्रूर षष्ठ्यंश में हो और पापक ग्रहों से दृष्टि हो तो दूसरा योग। तीसरा, इसी क्रम में पापक ग्रहों के साथ सूर्य वृश्चिक राशि में हो तो हृदय में तीव्र वेदना होती है। चतुर्थ योग, द्वादश स्थान में राहु हो तो जातक को प्राय गैस वायु विकार से हृदय में जलन इत्यादि उत्पन्न होता है। इसी क्रम में मित्रों हृदकंप योग होता है। आपने देखा होगा कि प्राय कहे जातकों को दिल में अचानक हृदय में बेचैनी और घबराहट सी होती है। ये सब हृदकंप के लक्षण हैं। अगर इसका समय पर चिकित्सा न हो व उपचार न किया जाए तो यह हृदय को पूर्ण तरह रुग्ण कर देता है। इस रोग के योग भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार हैं। पहला, चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह हो, दिन में जन्म हो तथा नष्ट मंगल को गुरु देखता हो। शुभ ग्रह क्रूर क्रांत हो, षष्ठेश पाप युक्त हो, सूर्य वृश्चिक राशि में हो तथा चतुर्थेश पापक क्रांत हो तो दिल में बेचैनी घबराहट इत्यादि उत्पन्न होती है, जिसको दुर्बल हृदय यानी कमजोर हृदय भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हृदय रोग का मुख्यतः चतुर्थ चतुर्थेश की स्थिति बस जातक ग्रंथों में उल्लेख है। चतुर्थेश का पापक क्रांत, नीच क्रूरक्रांत, षष्ठ अष्टम द्वादश स्थानों में स्थित होना, चतुर्थेश पापक ग्रहों के मध्य में स्थित होना इत्यादि तथा राहु सूर्य चंद्र की स्थिति बस हृदय रोगों का विचार किया जाता है। ऋग्वेद में भी एक उदाहरण मिलता है। हृदरोगम मम सूर्य हरिमाणम च नाशय। इस सूक्ति के अनुसार सूर्य हृदय रोग का कारक माना गया है। इसी प्रकार अन्य रोगों का भी वर्णन किया जाता है, अन्य रोगों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। लेकिन हृदय रोग के जो शास्त्रों में विशेष मुख्यतः जो योग हैं वो आपके सामने इस प्रकार से हमने प्रस्तुत किए। तो इस प्रकार चतुर्थेश यदि क्रूराक्रांत हो, पापक क्रांत हो, क्रूरक ग्रहों के मध्य में स्थित हो तो हृदय रोग होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार हृदय रोगों का कारक सूर्य को भी माना गया है। सूर्य हृदय रोगों का कारक क्यों है, इसका एक उदाहरण ऋग्वेद में आता है। हृदरोगम मम सूर्य हरिमाणम चनाशय। इस सूक्ति के अनुसार हृदय रोग सूर्य जो है हृदय रोग कारक माना गया है। प्रायः मित्रों आपने देखा होगा कि जहां दोष प्रकोप की बात आती है, जो लोग संयमित रहते हैं, अपना उचित आहार लेते हैं, व्यायाम इत्यादि करते हैं, उनको भी अनायास कदाचित कई बार रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आयुर्वेद तो इसको दोष प्रकोप कहता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हमारे यहाँ ये कर्म प्रकोप जन्य व्याधियां हैं। हमारे पूर्वार्जित कर्मों के आधार पर किस दशा में कौन सा रोग होगा वो ऋषियों ने पूर्व प्रतिपादित किया है, और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से वो समय, हम उस समय से पूर्व उस रोग का ज्ञान करके उसका निदान कर सकते हैं। हमारे यहाँ मणि मंत्र औषधि दान और स्नान, ये ज्योतिष शास्त्रीय चिकित्सा है। इसके माध्यम से रोगों का उपचार किया जाता है। लेकिन फिर भी प्राय ज्योतिषशास्त्र और आयुर्वेद इन दोनों का परस्पर संबंध से, इन दोनों के दृष्टि से रोगों का विचार करना चाहिए। तब जा करके सटीकता से हम रोगों की पहचान व रोगों का निदान कर सकते हैं। इसलिए ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों परस्पर यमल भ्राता कहा गया है, दोनों जुड़वे भाई हैं। इसलिए यही संबंध ज्योतिष और आयुर्वेद का है। इसी चर्चा को हम
आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में और अन्य रोगों पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।